कनाडा में समर जा चुका है एंड इट्स फॉल, वन ऑफ दोज टाइम्स जब आप मदर नेचर की खूबसूरती का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। और इसीलिए हम जा रहे हैं हंट्सविल और स्कोका। वेल, इस ट्रिप की शुरुआत कुछ ठीक नहीं रही। छोटे मोटे इश्यूज एंड इनकन्वीनियंसेस के बाद हम पहुँचे स्टारबक्स। हाईवे 11 ओरेलिया ओंटारियो में ये है स्टारबक्स रिजर्व। यहाँ स्टारबक्स के यूजुअल कॉफ़ी के साथ ही मिलते हैं कुछ और रेयरेस्ट और बेस्ट क्वालिटी कॉफ़ीज। And the highlight about this place is this train coach seating area. इससे पहले कि हम इस जगह को और explore कर पाते, किश को चोट लगी और ये कट काफी डीप था। प्लान था कि कुछ स्पॉट्स विजिट करके हम शाम तक अपने होटल पहुंचते, पर हमने वो चेंज किया और सीधे होटल पहुंचे। होटल में थोड़ी देर हम सभी ने रेस्ट किया और अपने मूड को रिफ्रेश किया, बट इतना अभी इनफ नहीं था। हमारे ट्रिप को स्पॉइल करने के लिए मौसम ने ली अंगड़ाई। सो अभी जो है ऑन एंड ऑफ बारिश हो रही है यहाँ पे, मौसम के हिसाब से विल टेक अ कॉल। वो कहते हैं ना, व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स They could really be oranges. बारिश ने इस जगह की खूबसूरती को और बढ़ा दी और हम निकल पड़े ये अलग बट अमेजिंग एक्सपीरियंस लेने हंट्सविल की गलियों में। डाउनटाउन हंट्सविल एक परफेक्ट जगह है अपने ट्रिप को मेमोरेबल बनाने के लिए। यहाँ खूबसूरत लोकल आर्ट गैलरीज, क्राफ्ट स्टोर्स, क्लोथिंग बुटीक्स, स्टाइलिश डिकोर के साथ ही कोजी कैफेज और रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अच्छी यादें बनाई जा सकती हैं। और ये फेमस मुस्कोका चेयर्स यहाँ नहीं मिलेंगी तो फिर कहाँ। एंटरटेनमेंट के लिए बार्स और नाइट लाइफ तो है ही, टाइम टाइम पर आउटडोर फेस्टिवल्स, कॉन्सर्ट्स और परफॉर्मेंसेस भी होती रहती हैं। यहाँ हमने फर्स्ट टाइम ट्राई की कनाडा में फेमस बीवर टेल्स।
बीवर की पूंछ की शेप में बनाई गई एक फ्राइड पेस्ट्री होती है, जिसे कुछ देसी लोग मीठा भटूरा भी कह सकते हैं। हमें ये सीजनल पिस्टैशियो फ्लेवर बहुत पसंद आया। नेक्स्ट अप, लायंस लुकआउट। अराउंड 1.3 किलोमीटर लंबी इस ट्रेल में आपको हंसवेल का खूबसूरत व्यू मिलता है। यहां से मुस्कोका रिवर और फेरी लेक का अमेजिंग नजारा नजर आता है और फॉल कलर्स देखने का ये एक फेवरेट स्पॉट है। यहाँ एक सुहानी सी शाम गुजारने के बाद हम वापस चले अपने होटल। और इस तरह हमारा हंसुल का पहला दिन हुआ खत्म। नया दिन, नई सुबह और बारिश। और ऐसे ही शुरू हुआ हमारे दूसरे दिन का सफर। एक छोटा सा स्टॉप हंटर्स बे ट्रेल में जहां हमने बारिश के चलते ट्रेल वॉकिंग स्किप की और खूबसूरत वादियों को एंजॉय करते हुए पहुंचे शुगरबुश हिल मेपल फार्म, एक लोकल फैमिली ओन्ड मेपल फार्म जो जाना जाता है 100% प्योर मेपल सिरप और उससे बने प्रोडक्ट्स के लिए। और ये घर है ओंटारियो के फर्स्ट एवर मेपल क्रीमी का। क्रीमी एंजॉय करके हमने लिया इनके मेपल फार्म का एक छोटा सा टूर। एक काम, पीसफुल और मीठे से एक्सपीरियंस के बाद हम आगे बढ़े अपने सफर में। द
भूख बहुत तेज लगी थी तो ढूंढ निकाला एक छोटा सा रेस्टोरेंट। नाम है क्रिस्टन्स टेस्टी ईट्स। रिव्यू अच्छे थे बट यहाँ पहुँच के लगा कि कहीं गलती तो नहीं कर दी, पर नहीं, ये खाना वाकई लाजवाब था। सो यम। अब वक्त हो चला था वापस अपने होटल जाने का। चलते चलते ऐसा खूबसूरत नज़ारा दिख गया कि हम रुक ही गए। मन तो नहीं था पर शाम हो चुकी थी और इस दिन को एंड करना था ताकि एक नए दिन की शुरुआत हो सके। ये हमारे ट्रिप का तीसरा और आखिरी दिन है और हम जा रहे हैं एरोहेड प्रोविंशियल पार्क। एरोहेड प्रोविंशियल पार्क का सबसे फोटोजेनिक स्पॉट है बिग बेंड लुकआउट। बिग ईस्ट रिवर के ऊपर का ये नज़ारा मुस्कोका की वादियों में बने इस मोड़ या बेंड को दर्शाता है। एरोहेड प्रोविंशियल पार्क में ऐसे कई स्पॉट्स हैं जो आपको प्रकृति के करीब ले आएंगे। बिग बेंड से थोड़ी ही दूर है एक ऐसा ही मन को मोह लेने वाला स्पॉट, ये है एरोहेड लेक। और इसी के साथ
वक्त हो गया है कि हम इस खूबसूरत जगह को अलविदा कहें, इन ब्यूटीफुल मोमेंट्स के साथ जो हमें हमेशा याद रहेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए दिन, नई जगह, नए सफर में, क्योंकि सफर तो अभी शुरू हुआ है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।